जय हिंद साथियों, नमस्कार। आप में से हजारों लाखों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका सपना होता है इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना। तो आज हम ये देखेंगे कि हाउ टू बिकम एन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, मतलब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मतलब लाखों बच्चों का सपना है। एसएससी के थ्रू साहब 30 से ज़्यादा पोस्ट हैं। एसएससी सीजीएल और सीएचएसएल के एग्जाम क्वालिफाई करके बच्चे 30 से ज़्यादा पोस्ट पे लगते हैं। इवन इनकम टैक्स इंस्पेक्टर से भी कई 5-6 पोस्ट ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा हाईली रेपुटेड पोस्ट हैं। एसएससी सीजीएल के थ्रू गैजेटेड ऑफिसर भी लगते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद भी आखिर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ही क्यों इतना फेमस है, तो इसका क्या प्रोसेस है, आप कैसे एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे, सारी चीज़ों पे आज चर्चा करेंगे साहब इस वीडियो में। मेरे प्यारे, क्या इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? ऐसा तो नहीं है कि कोई भी बंदा आए, भैंस चरा के आए भाई, कहे कि मैं इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गया। नहीं, इसके कुछ ना कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होंगे। क्या इसके लिए एग्ज़ाम देना पड़ता होगा? एज लिमिट क्या है? ऐसा थोड़ी 50 वर्ष की उम्र में जाके आप कहोगे कि मुझे इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनना है। नहीं ना मेरे भाई, तो एज लिमिट भी क्या है, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे। क्या इसके अंदर पावर होती है? मेन चीज़ तो यही है साहब, मतलब हमारे यूपी और बिहार में गुरु छाए हुआ है कि अगर आप कोई डबल ए वो लगते हो, गैजेटेड ऑफिसर लगते हो एसएससी के थ्रू, इस बात की कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। अरे होगा कुछ, हो अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर, नहीं मेरे प्यारे, है ना भाई। और क्या इसकी वर्क प्रोफाइल है, क्या सैलरी मिलती है प्यारे? अब मेरी बातों को सुनना, मेरी बातों को खूब प्यार से समझना। मैं इसलिए नहीं कह रहा शेयर करने के लिए कि आप मुझे प्रमोट कीजिए। प्यारे, आप में से लाखों करोड़ों ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको ये सारी बातें अभी बहुत हद तक नहीं पता है। जो बच्चे 12th के एग्ज़ाम दे के आए हैं, जो ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप सभी को नहीं पता है कि कैसे इतनी खूबसूरत पोस्ट पे जो आपका सपना है, इस पर सिलेक्शन कैसे होगा। तो उन सभी बच्चों के जानकारी के लिए, आप अपने दोस्तों की जानकारी के लिए, प्यारे मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं अपने प्रमोशन के लिए नहीं कर रहा साहब, प्रमोशन के लिए आपके प्यार आशीर्वाद से आप लोग बहुत प्यार देते हैं, बहुत प्रेम देते हैं। मैं आप अपने उन सभी विद्यार्थियों के अवेयरनेस के लिए कह रहा हूँ कि उन तक ये सारी जानकारी पहुँचे। तो आइए अपनी कहानी की शुरुआत करते हैं। हम ये डिस्कस करेंगे कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का क्या प्रोसेस है। प्यारे, ये इतना फेमस पोस्ट है, खासकर हाईएस्ट प्रेस्टिजियस पोस्ट इन आवर यूपी एंड बिहार। मतलब हमारे यूपी और बिहार में भैया इनकम टैक्स इंस्पेक्टर नाम लेते ही ना लोगों के मानस पटल पे छा जाता है। देख रहे हो कैसे मुस्कुरा रहा है, मतलब इनकम टैक्स में ज्वाइन कर लिया इसका मतलब कि छाप रहा होगा, मतलब छापा मार रहा होगा, रेड मार रहा होगा, लाखों करोड़ों रुपये होंगे उसके पास, गाड़ी होगी, बंगला होगा, मतलब सब कुछ होगा, हाई प्रोफाइल लाइफ जी रहा होगा। लेकिन नहीं प्यारे, ऐसा भी नहीं है, इस मिथ में मत पड़ना मेरे भाई, ऐसा भी नहीं है। लेकिन है, ऐसा भी नहीं है, दोनों चीज़ है। तो यूपी और बिहार वाले जितने भी बच्चे प्यारे, अगर कहानी समझ में आए ना, शेयर जरूर करना साहब। अपने यूपी बिहार में अगर आपकी नौकरी लगती है एसएससी के थ्रू, और दादाजी लोग, गांव समाज के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं, यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जो बहुत होते हैं, इनकम टैक्स सुनते ही यार चेहरे पर एक अलग सी चमक आ जाती है। अरे वाह, इनकम टैक्स में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट एक ऐसा है, अगर आप सीजीएल के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ज्वाइन करते हैं तो आपका एक आई कार्ड पूरे इंडिया में भौकाल मचाने के लिए काफ़ी, जहाँ अब तक जहाँ जिस डिपार्टमेंट में जाने के लिए, कलेक्टरेट में जा रहे हैं, पेपर पे साइन करवाने के लिए आपको लाइन में लगना पड़ता है। एक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की पोस्ट, जिस दिन आपके पास आई कार्ड होगा, दिखाओगे साहब कलेक्टर साहब के पास, उनके पीए आपको एकदम, अरे सारी भीड़ खाली करो, इंस्पेक्टर साहब आ रहे हैं, आपको लेके जाएंगे। मतलब इज्जत मिलने लग जाती है जहां भी रहते हो, गांव में, समाज में, डिपार्टमेंट में, हर जगह इज्जत मिलने लग जाती है साहब। आइए इसकी कहानी को समझते हैं। बहुत ही प्रेस्टिजियस पोस्ट है, हालांकि इससे ज़्यादा पावरफुल पोस्ट बहुत है एसएससी में, लेकिन ये बहुत फेमस पोस्ट क्योंकि हमारे यूपी बिहार वाले बच्चे ही ज़्यादातर एसएससी की तैयारी करते हैं प्यारे, जनरल कंपटीशन मतलब सारे गवर्नमेंट जॉब के लिए। और ये पोस्ट, मतलब ये ऐसी भावना, ऐसा परसेप्शन लोगों के दिमाग में है, क्लियर है ना, कि इनकम टैक्स में है तो छापा मार रहा होगा भाई, ऐसे पैसे कमा रहे होंगे। आइए, क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या इसके लिए एग्जाम देना पड़ता है, क्या एज लिमिट है, इन चीज़ों को समझते हैं प्यारे। इसके लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, एस्पिरेंट शुड मस्ट बी ग्रेजुएट विद एनी स्ट्रीम। अगर आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम भर सकते हैं। आप ग्रेजुएट हैं तो आप एसएससी सीजीएल का एग्जाम भर सकते हैं प्यारे। उसके बाद आप एसएससी के थ्रू भी इसमें जा सकते हैं, और बच्चे यूपीएससी के थ्रू भी इस पोस्ट में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाते हैं, क्लियर ना। एसएससी में
सीजीएल का एग्जाम आपको देना पड़ेगा, जिसमें टीयर वन, टीयर टू, टीयर वन जो कि प्रीलिम्स अब क्वालिफाइंग नेचर का है, पहले की कहानी कुछ और थी, टीयर टू मेंस, मेंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के लिए इंटरव्यू की आवश्यकता नहीं है। अब मैं आप सभी से बता दूं कि आप में से बहुत से बच्चों को इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और इनकम टैक्स ऑफिसर में अंतर पता नहीं होगा, क्लियर ना? तो भाई इस पोस्ट के लिए इंटरव्यू और फिजिकल नहीं है, अभी उन दोनों में भी अंतर बताऊंगा। एज लिमिट क्या है साहब इस पोस्ट के लिए? तो एज लिमिट प्यारे 30 इयर्स है, कितना, 30 साल के बाद आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनने के काबिल नहीं रहेंगे, चाहे आप काबिलियत आप में जितना भी हो, एज के माध्यम से आप खत्म हो चुके हैं, अब आप इस एग्जाम में नहीं बैठ सकते, क्लियर? इतनी सी बातें समझ में आई? एग्जाम कौन कौन देना है, या तो आप एसएससी के थ्रू लगिए या यूपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू डायरेक्ट असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स से ज्वाइन करेंगे, वो सारी चीज़ अभी समझाऊंगा, पेशेंस बनाए रखिए। एग्जाम समझ में आ गया ना प्यारे? एसएससी का एग्जाम दे सकते हैं, सीजीएल, सीजीएल के लिए दो टीयर में एग्जाम होता है, टीयर वन जो कि क्वालिफाइंग नेचर का है, सिलेबस वगैरह किसी और वीडियो में हमने डिस्कस किया, वो देख लीजिएगा, टीयर टू जो कि मेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अच्छा, इंटरव्यू नहीं है इस पोस्ट के लिए, फिजिकल नहीं है, फिजिकल टेस्ट मतलब कि रनिंग वगैरह। एज लिमिट 30 साल, प्यारे इस बात को समझ पाए आप? पावर क्या होता है, मेन थिंग पावर साहब, बहुत बेहतरीन पावर होती है। मतलब आप अगर अपने डिपार्टमेंट में हो तो आपको अपने कमिश्नर को रिपोर्ट करना होता है, मतलब डिपार्टमेंट में आपकी जो ट्यूनिंग बनती है सारे बड़े बड़े ऑफिसर्स के साथ, सिंपल सी बात है, जैसी संगति वैसी बुद्धि। अगर आपको एक महीने चोरों के साथ छोड़ दिया जाए तो आप चोर बन जाओगे, लक्षण भी आ जाएंगे कुछ ना कुछ, लेकिन इस डिपार्टमेंट की साहब माहौल ऐसा होता है कि आपका सारा कनेक्शन बड़े बड़े अधिकारियों के साथ, पावर ऐसा है कि प्यारे अगर आपके रिश्तेदारों में किसी को पता लग गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में लग गया है, तुम्हारी एक्स को पता लग गया कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में इंस्पेक्टर है भाई, और तुम्हारी एक्स कहीं की आईएएस अधिकारी भी बन गई है, मान लो तुम्हारी प्रेमिका तुम्हें छोड़ गई अधिकारी बनने के बाद, और खूब छापा मार रही है साहब, मतलब 200-400 करोड़ रुपया कमा ली है घूस खाके, और उसको पता लग गया कि तुम बुढ़ापे तक मतलब 30 साल की उम्र तक इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बन गए, भाई कांप उठेगी, कांप उठेगी मेरे बेटे, इतनी पावर होती है, क्लियर है ना? पावर बहुत है। मैं ये एग्जाम्पल दिया, ऐसा ये मानना नहीं है कि आप, आपके डर से कोई आईएएस अधिकारी कांपे, लेकिन हाँ पावर है, आपके एक आई कार्ड की वैल्यू होती है, मतलब अगर आप कहीं क्राउड में हैं किसी जगह पे, गवर्नमेंट सेक्टर में आपको कोई काम करवाना है, अब तक अगर जब तक आप सिलेक्ट नहीं है तब तक बहुत टाइम लगेगा, लाइन में लगना पड़ेगा, लेकिन इस आई कार्ड की पावर बहुत, मनी मेन मैटर, मनी है गुरु, मनी साहब। आपको बताऊं जो परसेप्शन है ना तुम्हारा ये वाला कि मनी बहुत है, शायद कुछ संभव है, जब तक आग लगी नहीं तब तक धुआं कैसे उठा। संवैधानिक रूप से हमारे भारत में कहा जाता है कि दहेज प्रथा लेना अपराध है, मतलब दहेज लेना देना अपराध है साहब, ऐसे ही घूसखोरी भी अपराध है, लेकिन दहेज भी चल रहा है और कहीं ना कहीं सिस्टम का हिस्सा है, चल ही रहा होगा, इस बात की कोई पुष्टि जानकारी मैं ऑफिशियल तौर पर नहीं है मेरे पास, ना ही मैं इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखता हूँ। जो भी विद्यार्थी मेरे हैं जो इन चीज़ों में इंटरेस्ट रखते हैं प्यारे, यही कहूँगा कि अपनी ईमानदारी से कमाना और इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना, क्योंकि आज न कल अंत सबका होगा। जितने भी इस टाइप के लोग हैं जो रिश्वत वगैरह लेके 200-400 करोड़ रुपए बना लेते हैं, सबका अंत होता है, आप आए दिन न्यूज में देखते होंगे, तो उस दिन तुम्हारे पास फिर कुछ नहीं बच जाता, जो ईमानदारी के है वो रखोगे तो सब, वो छीनने की ताकत सरकार में भी नहीं है प्यारे। मनी जो एक परसेप्शन है लोगों के बीच में, ऐसा भी होगा कि ज्वाइनिंग के पहले साल के अंदर ही आप मान लीजिए कहीं 400-500 करोड़ का छापा मार रहे हो, और जो आदमी फंसा हुआ है 5-10% तो देने की कोशिश करेगा ही कि साहब ले जाओ यार छोड़ दो ना, 10% क्या 20% भी देने की कोशिश, 500 करोड़ का छापा है 20% ले जाओ, मतलब कुछ भी हो सकता है यार, बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इन चीज़ों से बचने की कोशिश करना। वाकई जो आप देखते हो ना ये सारी चीज़ें है, सोशल स्टेटस आपके गाँव में समाज में, बेशक से आप MEA लग जाओ, डबल AO लग जाओ, गैजेटेड पोस्ट पे लग जाओ, गैजेटेड पोस्ट का मतलब कि आपके सिग्नेचर की वैल्यू होती है, लेकिन नहीं साहब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर मतलब MEA लग जाओ, डबल AO, ये सब गांव में बताओगे तो लोग कहेगा कि का लगा है, का है ये सब,
मतलब समझेंगे भी नहीं लोग, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बताते हैं ना साहब, सोशल स्टेटस सीधा यहां से यहां पहुंच जाता है। तो ये सारी चीजें हैं इस पोस्ट में प्यारे। अब रही बात की वर्क प्रोफाइल क्या है, भाई सर जी इतनी तारीफ तो आप कर दिए कि इनकम टैक्स इंस्पेक्टर ऐसा है वैसा है, मतलब इतनी अच्छी पोस्ट है, वर्क प्रोफाइल क्या है। सबसे बड़ी बात मैं बता दूं, इतना पावरफुल होने के बावजूद भी इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का जो पोस्ट है ग्रुप सी पोस्ट है। क्या ग्रुप सी का पोस्ट है, ग्रुप बी पोस्ट भी नहीं है, ग्रुप सी का पोस्ट है। 4600 ग्रेड पे सैलरी मिलती है। अब आप समझो कि ये ग्रेड पे क्या होता है, तो कोई बात नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। सरकार का सैलरी देने का, अपने ऑफिसर्स को अपने कर्मचारियों को सैलरी देने का भारत सरकार का अपना एक टैक्सेशन सिस्टम है ना भाई। एसएससी के अंदर 2800 4400 ऐसा ग्रेड पे है। तो जो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर का पोस्ट आता है ग्रुप सी में है, दो तरह के जॉब है, एक डेस्क जॉब है एक फील्ड जॉब है। डेस्क जॉब में मतलब सारे ऑफिसर सारे इंस्पेक्टर ऑफिस में बैठ के काम करते हैं और ये वो लेखा जोखा रखते हैं कि साहब जैसे मान लीजिए आप अरबपति आदमी है करोड़पति आदमी है कोई बिजनेस चलाते हैं और आपने टैक्स नहीं भरा है, इतने सालों से टैक्स की चोरी कर रहे हैं। सामान्यतः हिंदुस्तान में बहुत से लोग चोरी करते हैं और पकड़ाते भी हैं। ये सारा काम ये सारा डाटा यही लोग अपने कमिश्नर को रिपोर्ट करते हैं कि भैया इन्होंने अभी तक इतना टैक्स नहीं भरा है। अब कमिश्नर फील्ड जॉब में जो भी इंस्पेक्टर डिप्लॉय किए गए कि भैया आप लोग मौजूद रहिए फील्ड जॉब में, उनको ऑर्डर करते हैं कि आप यहाँ जाके इस जगह पे जाके छापा मारो। फिर उसके बाद देख रहे हो इसका चेहरा खिलखिलाया हुआ है, एकदम चमक रहा है, अरे वाह 200-400 करोड़ का छापा मार दिए हैं, मतलब एकदम कुछ ना कुछ हाथ लगने वाला है, भगवान जाने इसको लगा कि नहीं लगा। मतलब देखो ना साहब इनकम टैक्स इंस्पेक्टर सबका चेहरा ही देखो, साफ एकदम खुश है इसका चेहरा देख रहे, स्माइल मार रहा है, अई बुढ़ऊ चाचा एकदम खुश है, अरे यार मन मन में एकदम भौकाली मचा रहे हैं कि सब समेट लो। लेकिन ठीक है पोस्ट शानदार है भाई। तो ये सोशल स्टेटस वगैरह मतलब ये इस टाइप के इसका वर्क प्रोफाइल है। थोड़ी सी बात प्रोमोशन पे कर लेते हैं। आपको शायद मैंने बताया होगा कि भाई एसएससी और यूपीएससी दोनों से लगते हैं। एसएससी में दो तरह का होता है साहब, मतलब सीजीएल से जब आप एग्ज़ाम क्लियर करोगे अगर आपका आपका रैंक बहुत कम रह जाता है तो आप टैक्स असिस्टेंट पे लगते हैं, क्लियर है ना। टैक्स असिस्टेंट 3 साल रहने के बाद, प्रमोशन का क्राइटेरिया समझ लीजिएगा, 3 साल रहने के बाद आप सीनियर टैक्स असिस्टेंट बनते हैं। और सीनियर टैक्स असिस्टेंट में भी 3 साल रहने के बाद, यानी कि टैक्स असिस्टेंट में रहने के 6 साल बाद, 6 साल बाद आप डिपार्टमेंटल प्रमोशन के थ्रू इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बनेंगे। और सीजीएल में अगर रैंक अच्छा है, रैंक अगर आपका 2 डिजिट में घूम रहा है, तो मन चाहे जगह पे मन चाहे शहर में आपका इनकम टैक्स इंस्पेक्टर जैसे दिल्ली मुंबई जोन में आपका मिल सकता है। फिर 6 साल से 10 साल इनकम टैक्स इंस्पेक्टर रहने के बाद इनकम टैक्स ऑफिसर बनते हैं। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर और ऑफिसर में अंतर होता है प्यारे, यही इंस्पेक्टर लोग प्रमोट होके बनते हैं इनकम टैक्स ऑफिसर 8 से 10 साल प्यारे। असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स यहां से डायरेक्ट ज्वाइन करते हैं यूपीएससी वाले, मतलब भैया यूपीएससी क्वालिफाई करने के बाद जितने आईआरएस ऑफिसर होते हैं, इंडियन रिवेन्यू सर्विस वाले जितने ऑफिसर होते हैं, इसके लिए भी यूपीएससी में प्यारे कभी डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन कम से कम 200 से 300 के आसपास आपका रैंक होना चाहिए अगर आप जनरल कैटेगरी में हैं। 300 से ऊपर ही रहना चाहिए, मतलब 200 से 300 के बीच में, तब जाके आपको आईआरएस वगैरह मिल सकता है। अगर आप जनरल कैटेगरी का मैंने बताया, बाकी कैटेगरी का उनका अपना सिस्टम है अलग। अब यहाँ से डायरेक्ट मतलब देखो ना यूपीएससी वाले एसएससी से कितने बड़े हैं भाई। अगर आप इनकम टैक्स इंस्पेक्टर लगते हैं फिर भी 14 से 15 साल ज़्यादा इनका जो 15 साल ज़्यादा आपसे चलते हैं ये लोग, है ना, क्लियर। अब यही असिस्टेंट कमिश्नर डिप्टी कमिश्नर में प्रमोट होते हैं, डिप्टी कमिश्नर ज्वाइंट सेक्रेटरी में, ज्वाइंट कमिश्नर में प्रमोट होते हैं। एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स सीजीएल वाले बहुत कम बच्चे पहुंच पाते हैं, मतलब सीजीएल वाले वह बच्चा पहुंच जाएगा जो ग्रेजुएशन करते हैं 21 साल की उम्र में लग गया हो ना भाई, वो एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स पहुंचेगा। जैसे यूपीएससी से अगर कोई बच्चा आईएएस में सेलेक्ट होता है और 21 साल की उम्र में वो आईएएस लग गया, 21 साल की उम्र में अगर यूपीएससी वाला आईएएस लग गया तो वह आदमी प्राइम मिनिस्टर के सेक्रेटरी तक बनता है, मतलब कैबिनेट सेक्रेटरी तक बनता है, मतलब वह व्यक्ति देश चलाता है साहब, समझ रहे हो ना। हाँ ये कहानी है। तो ये प्रमोशन का क्राइटेरिया है इनका एसएससी के थ्रू जो लगते हैं उनका।
और आप सभी से मैं बता दूं कि प्यारे सैलरी पे बात आती है, मेन कहानी यहीं आके रुकती है। अगर आप ईमानदारी से भी जीना चाहते हैं, उल्टे सीधे काम नहीं करते, क्योंकि उल्टा सीधा करोगे आज न कल फंसना जरूरी है। नो डाउट कि ये डिपार्टमेंट इतनी बदनाम है इन चीज़ों में, तो स्वाभाविक सी बात है होता होगा तभी बदनाम है। जब तक आग लगी नहीं तब तक धुआं उठा कैसे। क्लियर है प्यारे? तो सैलरी मैं बताऊं कि साहब 72,000 से ज़्यादा सैलरी है, अभी भी पेट्रोल बिल मिलता है, मोबाइल बिल अभी भी दिया जाता है। एचआरए डिपेंड करता है सिटी वाइज, मतलब अगर मान लीजिए कोई बच्चा इनकम टैक्स सेलेक्ट होके इनकम टैक्स इंस्पेक्टर कोई दिल्ली और मुंबई में पोस्टेड है और एक विद्यार्थी कोई पटना और इलाहाबाद में है, तो प्यारे आपकी सैलरी में जो डिफरेंस आता है वो एचआरए की वजह से आता है। मान लेते दिल्ली में आपके फ्लैट का किराया 30,000 रुपया, आपको हाउस रेंट अनाउंस कहा जाता है इसको, हाउसिंग रेंट अलाउंस वगैरह, ये अलाउंस आपको जो दिया जाता है दिल्ली में अगर 25,000 से 30,000 रुपया दिया जाएगा, तो पटना और इलाहाबाद में 15,000 से 20,000 रुपया दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें, मतलब ये वही 4600 ग्रेड पे के टैक्सेशन सिस्टम पे डिपेंड करता है। अभी भी फिलहाल 72,000 से 80,000 के बीच में आपके इन हैंड सैलरी है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये सारी कहानी समझ में आई होगी। आप सभी अगर इस वीडियो से सेटिस्फाइड हैं तो कमेंट सेक्शन में प्यारे आप मुझे ये बताइए कि अगली वीडियो, अगला इन्फॉर्मेशन किस पोस्ट के बारे में चाहते हैं। हैं भाई, इनकम टैक्स इंस्पेक्टर हो गया, एक्साइज इंस्पेक्टर भाई, AA, CBI इंस्पेक्टर, MEA, ASO इन MEA, किस पोस्ट पे चाहते हैं, बस पोस्ट का नाम कमेंट सेक्शन में डालिए आप। फिर हमारी मुलाकात होगी किसी ऐसे प्यारे से अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, अपने से बड़ों का सम्मान करते रहिए, अपने से छोटों को प्यार आदर करते रहिए मेरे प्यारे। फिर हमारी मुलाकात किसी अगले प्यारे से वीडियो में होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच, टेक केयर, नमस्कार, जय हिंद।